नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। कल यानी रविवार को एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम इस खिताबी मुकाबले के लिए तैयार है। वहीं कल बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भारत को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था और साथ ही साथ टीम को एक बड़ा झटका भी लगा था। तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत को किस रूप में झटका लगा है। दरअसल कल के मुकाबले में भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करते वक्त चोटिल हो गए थे। बड़ी बात यह है कि वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्हें चोट लगा और फिर उन्हें हाथ में लाल रंग की पट्टी लगाकर बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। पहले तो वो स्टंप होने से खुद को बचाने के लिए डाइव लगाई, जिस वजह से उनकी उंगली में चोट आई। उसके बाद जब वो सिंगल लेकर बाहर फिजियो को बुला रहे थे, तभी बांग्लादेशी फील्डर ने बाउंड्री से बॉल को थ्रो किया, जो कि उनके बाएं हाथ पर आ गिरा, जिसके बाद उनकी चोट गंभीर हो गई। हालांकि कल के मुकाबले से पहले जब श्रीलंका के खिलाफ वह मैच खेलने उतरे थे, तब उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। उसके बाद से वो जांग में भी पट्टी लगाकर खेल रहे थे। वहीं अक्षर पटेल अब एशिया कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर अब वॉशिंगटन सुंदर को टीम के साथ जोड़ा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षर पटेल आगामी विश्व कप टीम के भी हिस्सा हैं, इसलिए आगे चलकर यह भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वो विश्व कप में 3 स्पिनरों में से एक मुख्य स्पिनर भी हैं। भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि वो विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो जाए। BCCI से आई खबर के मुताबिक अक्षर इस समय कई चोटों से जूझ रहे हैं। उनकी उंगली में भी चोट लगी है। बांग्लादेशी फील्डर के थ्रो से उनके बांह पर चोट लगी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई है, इसलिए वॉशिंगटन को कवर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर आने वाले दिनों में होने वाले एशियन गेम्स का भी हिस्सा है, जो कि चीन के हांगझोऊ में खेला जाना है। सुंदर को एशिया कप के फाइनल में भारतीय प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।